गुंडापांडे ब्लॉक के ग्राम पंचायत नियामतपुर इक्टोरिया में पूर्व राशन डीलर जफर खां की बीमारी के चलते मौत हो गई थी, जिसके बाद जिला प्रशासन ने यहां दूसरे राशन डीलर का चुनाव कराकर नया राशन डीलर नियुक्त करने का आदेश दिया था, जिसका पालन करते हुए आज गुंडापांडे ब्लॉक से एक अधिकारियों की टीम पुलिस फोर्स के साथ गाँव में राशन डीलर का चुनाव कराने पहुंची और शासनादेश पढ़कर सुनाया कि अब नए राशन डीलर की दुकान का प्रस्ताव गाँव में चल रहे स्वयं सहायता समूह को ही राशन डीलर बनाया जाएगा। इस पर प्राथमिक विद्यालय में मौजूद सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने स्वयं सहायता समूह के नाम का विरोध करना शुरू कर दिया। अगर गांव वालों की बात माने तो लगभग सभी गांव वाले चाहते कि गांव के अंदर राशन डीलर की दुकान स्वयं सहायता समूह को न देकर गांव के अंदर वोटिंग कराकर डीलर नियुक्त किया जाए। इस पर ब्लॉक अधिकारियों ने गाँव वालों को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सभी गाँव वालों ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए राशन डीलर चुनाव का विरोध करना शुरू कर दिया। इस बात का हंगामा बढ़ता देख ब्लॉक अधिकारी बिना राशन डीलर का चुनाव करा ही वापस चले गए। क्या है आप ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत नियामतपुर का ग्राम प्रधान। आज जो सस्ता गल्ला विक्रेता की दुकान का चुनाव होना था, वो भारी हंगामे के बीच में अधिकारी बीच में ही उठते चले गए, क्या मामला? ये जो शासन आदेश आ हुआ है 1.5 साल से पहले कि जो राशन की दुकान आगे के लिए आवंटित की जाएंगी वो समूह के लिए की जाएंगी, स्वयं सहायता समूह, लेकिन हमारे गांव में जो डीलर साहब है जो इस समय उनका देहावस्थ हो गया और उनके पक्ष में जनता थी, इसलिए ये थोड़ा सा हंगामा रहा। जनता जो है उनके पक्ष में चाहती है राशन डीलर की दुकान। SDM साहब के संज्ञान में ये बात डाली गई, हमने उन्हें फ़ोन किया, उन्होंने ये कहा कि दुकान स्वयं सहायता समूह में लगी, लेकिन जनता का रुख है वो इनकी तरफ है। ग्राम पंचायत के कितने % लोग चाहते हैं कि अदर व्यक्ति को ही सस्ता गल्ला विक्रेता की दुकान चयनित की जाए, और कितने लोग स्वयं सहायता समूह के पक्ष में हैं? जो पुराने डीलर साहब हैं जिनके पक्ष में जनता का जुड़ाव हुआ है, लगभग ऐसे मान के चलो कि 70-75% लोग तो इनके साथ ही हैं। स्वयं सहायता समूह आप बीच में मत, क्या होगा आप एज ए ग्राम प्रधान हैं तो क्या करेंगे आप, इसमें किसी अधिकारी से मिलेंगे जो अदरवाइज को कोटा हो जाए या स्वयं सहायता समूह के ही पक्ष में ये राशन डीलर की दुकान जाएगी? देखो साहब, ऐसा है कि हम लोग ये जो डीलर साहब हैं जो हमारे मोहम्मद जफर डीलर थे जिस समय नहीं है, उनके पक्ष में जो जनता है हम इन लोगों से कहेंगे आप अपनी एप्लीकेशन लेकर SDM साहब के पास जाओ, DM साहब के पास जाओ। जब जनता इन लोगों के साथ है, हम भी इनके साथ हैं, तो कुल मिला के वो इनकी बात का संज्ञान लें, और अगर उनका लास्ट यही हिसाब है कि स्वयं सहायता समूह को ही दिया जाएगा तो वो इन्हें समझाएं ये बात बताएं, लेकिन जब जनता इनके साथ है तो फिर सबका यही मानना है कि दुकान इनके लिए आप लेते हैं। आप नियामतपुर में प्रस्ताव हुआ है, इसमें क्या हुआ आज? नियामतपुर ग्राम पंचायत में आज जिलाधिकारी के आदेश अनुसार खुली बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, ग्राम पंचायत के 18 वर्ष की उम्र पार करने वाले सभी वोटर, ग्राम प्रधान, पुलिस बल तथा सेक्टर प्रभारी मौजूद रहे। प्रातः 10 बजे प्राथमिक विद्यालय नियामतपुर इक्टोरिया पर खुली बैठक का आयोजन किया गया। जैसे ही हम लोगों ने खुली बैठक की कार्रवाई शुरू की तो गांव वालों ने अपने पक्ष की बात कही कि ग्राम पंचायत में सस्ते गल्ले की दुकान समूह पर न जाकर पब्लिक द्वारा जो चुनी जाएगी उसको दिया जाना चाहिए। इस क्रम में हमारे द्वारा पब्लिक को समझाया गया और शासन आदेश भी पढ़वाया गया, परंतु पब्लिक का कहना है कि हम उसी व्यक्ति को देना चाहेंगे जिससे हमारी पूरी सहमति है या जिसे हम खुले मंच से उसको चयनित करना चाहते हैं। इस क्रम में हमने खंड विकास अधिकारी और उप जिलाधिकारी महोदय को तथा जिलाधिकारी महोदय को चिट्ठी के माध्यम से खंड विकास अधिकारी द्वारा लिखा गया है। अब जिलाधिकारी महोदय या उच्च अधिकारियों को जैसे भी निर्देश होंगे अग्रिम कार्रवाई तक वैसे ही कार्य किया जाएगा। तो बिना समूह के उन लोगों के नाम में हो सकता है? नहीं, शासन आदेश में सीधा स्पष्ट व्यवस्था है कि महिलाओं की ग्राम पंचायतों में अधिक भागीदारी करने के लिए, उनको स्वावलंबी बनाए रखने के लिए सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली से समूह को जोड़ा गया था। इसी परिप्रेक्ष्य में सरकार द्वारा शासनादेश पारित किया गया कि समूह की महिलाओं को उनकी जीविका को आगे बढ़ाने के लिए राशन डीलर की दुकान बढ़ाई जाए, दी जाए।